बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना के किचन में स्वागत है आप लोगों का। आज की हमारी रेसिपी है सेव पूरी, जो बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनने वाली है। देखिए, आहा, नींबू डालिए इस पे, चाट मसाला, कितनी ज़बरदस्त बनी है ये, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेव पूरी के ऊपर जो चटनी डलती है, रेड, ग्रीन और मिट्टी वाली, गुड़ की, इमली की, तो हम वो चटनी बना रहे हैं। तो पहले हम लहसुन वाली जो लाल चटनी डलती है ना उसके ऊपर, तो ये वो वाली है। तो उसके लिए मैंने ले ली हूँ 10 से 12 रेड ये सूखी लाल मिर्ची, इसको मैंने धो के रख ली हूँ। 5 लहसुन की कली है, लहसुन का टेस्ट उसमें बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम है नमक, नमक डाल के हम इसको पीस लेंगे। तो ये एक चटनी तैयार हो गई हमारी, और ये ग्रीन वाली, इसमें थोड़ा कोथमीर ले ली हूँ मैंने, थोड़े से पुदीने के पत्ते और 6 से 7 ये हरी मिर्ची, इसमें भी नमक डाल के इसको बारीक हम पीस के लेके आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी हमने दोनों पीस ली है, जो लहसुन वाली मैंने आप लोगों को बताई थी लाल मिर्ची की, ये वो है, ये हरी वाली चटनी। और ये वाली मिट्टी चटनी जो है ये मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी अमचूर की चटनी है ये। तो चलिए, अब ये मैंने चना दाल ले ली हूँ, जो हम सेव पूरी के ऊपर डालेंगे ना तो चना दाल डलती है, ये वो है, और सेव है ये बारीक वाला। और ये थोड़ा चाट मसाला ले ली हूँ मैंने, थोड़ा कोथमीर, 1 हरी मिर्ची को कट करके रख ली हूँ, कैरी, कैरी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सेव पूरी पे, और प्याज, और ये थोड़ा नींबू ले लूँ, ऊपर से हम निचोड़ेंगे। और ये आलू को मैंने बॉईल करके इस तरीके से मैश कर ली हूँ। तो चलिए अब हम सेव पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पूरी का पैकेट हमने मंगा लिया, देखिए रेडीमेड इस तरीके की मिलती है, आसानी से मिल जाती है, पानी पूरी की दुकान पर जो होता है ना वहाँ पर, तो ये अच्छी पड़ जाती है। देखिए अब हम सेव पूरी को असम्बल करते हैं। घर में देखिए आप कितनी सारी सेव पूरी बन के रेडी हो जाती है ना, अच्छी चटपटी बिल्कुल, बस चटनी बनाओ और सेव पूरी सर्व कर दो। आलू बॉईल करो, या आप रगड़ा इसे पसंद करते हैं तो आप रगड़ा भी बना सकते हैं इसमें। अब आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे वो थोड़ा थोड़ा ले लेंगे ऐसे, ये देखिए। थोड़ी प्याज, प्याज को काट के ना धो लेना थोड़ा, तो उसकी स्मेल निकल जाती है, तो खाने में अच्छी लगती है प्याज, है ना। अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, मगर प्याज से टेस्ट बहुत अच्छा आता है सेव पूरी में, भैया लोग भी डालते हैं ना। थोड़ी सी कैरी लेंगे, कैरी से देखना आप कितना अच्छा मजा आता है, कैरी आने लगी है, अब सीजन आ गया ना कैरी का। अब थोड़ी चटनी डालेंगे, ये लहसुन वाली चटनी तिक्की बहुत है, तो थोड़ी संभल के डालना, क्योंकि हमें ये हरी चटनी भी लगेगी, ये वाली भी लगेगी ना इसके लिए। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। अब ये हरी वाली, ये भी तिक्की है, जरूर संभल के डालना, ये वाली भी, जितना आप तिक्का खाते हैं आप अपने हिसाब से डाल लेना, है ना। अब डालेंगे हम मिट्टी वाली, मिट्टी वाली चटनी तो इतनी टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा। अब हम सेव डालेंगे, इतनी जबरदस्त और अच्छी ये बनती है सेव पूरी कि आप लोग को खुद यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में बनाए। देखिए ये, अब थोड़ी सी दाल डालेंगे वाली, थोड़ा सा कोथमीर,
थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सेव पूरी बनके रेडी हो गई ना, एकदम इजी तरीके से। आप लोगों को सेव पूरी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।